प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे मेट्रो को आज अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली वंदे मेट्रो भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी और इसके अलावा अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी 8000 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अहमदाबाद को 8000 करोड़ की सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं तस्वीरें देश की पहली वंदे भारत मेट्रो की। तो क्या है इसमें खास? सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दरवाजे को खोलने बंद करने का सिस्टम बदल गया है। यहाँ पर अब ये टच स्क्रीन का है, इसको आप जैसे दबाएंगे ये दरवाजे खुलेंगे। फिर आपको नजर आता है ये सपोर्ट सिस्टम जो चढ़ने उतरने के काम तो आएगा ही, साथ ही में आने और जाने वाले लोगों की लाइन्स को अलग अलग भी करेगा। इसके साथ आप ऊपर देखेंगे एक स्मार्ट डिस्प्ले सिस्टम जहां पर आपको जानकारी मिलती रहेगी कहाँ पहुंच गए, कौन सा स्टेशन है, कितनी दूर है, किस स्पीड से ट्रेन चल रही है, और साथ ही फिर आपको सिक्योरिटी के लिए नजर आएगा सीसीटीवी कैमरा। अब बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि ये कम दूरी से थोड़ी ज्यादा दूरी पे चलने वाली मेट्रो ट्रेन है तो बैठने का ही इसमें इंतजाम किया गया है, लेकिन बैठना भी आपका आरामदायक हो उसके लिए सीट पर आप देखेंगे कुशनिंग्स की गई है, गद्दे लगाए गए हैं ताकि आपका सफर जो है वो कंफर्टेबल हो। ऊपर सामान रखने की आपको जगह मिली हुई है, लाइट्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है। अगर आप बैठ रहे हैं तो बैठे, सीट नहीं मिली है तो आप इन हैंडल्स का प्रयोग कर खड़े भी रह सकते हैं। बैठकर और खड़े रहने की यात्रियों की कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो एक बार में 3000 यात्री ये वंदे भारत के 12 कोच ले जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही कोच के आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर चार्जिंग पॉइंट्स है, 6-6 तरीके के चार्जिंग पॉइंट, 6 ऊपर 6 नीचे, 4 मोबाइल होल्डर्स आपको नजर आते हैं, 1 टॉकबैक यूनिट है जिससे आप सीधा ड्राइवर से बात कर सकते हैं। और साथ जो खास जो किसी भी मेट्रो में आपको देखने को नहीं मिलता वो है लेवेटरीज या वॉशरूम। 2-2 वॉशरूम्स यहाँ हर एक कोच के साथ लगे हुए आपको मिलेंगे, जहां जिनका इस्तेमाल आप थोड़े लंबे सफर के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 12 कोचेस में से 1 कोच जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, वो उस पर एक अलग से मार्किंग भी कर दी गई है। और यहाँ अगर बात करें तो पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, लेस टच के जो दरवाजे हैं उनके साथ, लेस कंफर्टेबल सिटिंग्स के साथ, ये आपको अलग अनुभव देने के लिए वंदे भारत मेट्रो जो है वो तैयार है। पहली वंदे भारत मेट्रो भुज से अहमदाबाद के लिए चल रही है। तो वही छत्तीसगढ़ में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस आज से दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए दौड़ेगी और इस ट्रेन के जरिए रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ 5 घंटे में पूरा होगा। राजधानी रायपुर के रेलवे मंडल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन ढेका, सांसद तोखन साहू, ब्रज मोहन अग्रवाल समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। दुर्ग से नियमित रूप से ये ट्रेन सुबह 5:45 पर रवाना होगी और इस वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच हैं। प्रदेशवासियों को आज दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं और ये रेलवे स्टेशन का 7वां प्लेटफॉर्म है जहां की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करने की यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना करेंगे, इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा राज्यपाल रमेन ढेका, सांसद तोखन साहू, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत तमाम मंत्रीगण और विधायकगण भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और करीब 4:15 पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रायपुर रेलवे स्टेशन से जो है रवाना किया जाएगा। इसके बाद ये ट्रेन जो है तमाम स्टेशन होते हुए करीब 12:20 पर रात में विशाखापट्टनम पहुंचेगी। वहीं इस ट्रेन की खासियत की हम बात करें तो इस ट्रेन में 16 कोच रहेंगे और ये ट्रेन जो है यात्रियों को सुविधाजनक और तेज गति प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम की 300 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन केवल जो है 3 घंटे में पूरी करेगी। इसके अलावा आज करीब 4:15 पर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही ये ट्रेन नियमित रूप से 5:45 पर दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी, क्योंकि दुर्ग में कोचिंग यार्ड जो है वो बना हुआ है। हफ्ते की हम बात करें तो हफ्ते में गुरुवार को छोड़कर 6 दिन तक ये ट्रेन जो है वो चलने वाली। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां जुआ खेल रहे पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 6 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। जुआ खेलते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दिगौरा थाना और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी हैं जो कि जुआ खेलते पकड़े गए हैं और अब इन्हें सस्पेंड कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा जहां पर इस तरीके के अवैध धंधे पर रोक लगानी चाहिए, वहां पर पुलिसकर्मी खुद बैठकर जुआ खेलता हुआ नजर आया था और इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्शन लिया गया है और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। टीकमगढ़ का पूरा मामला, जहां जुए की फड़ पर दबिश देने के बजाय जो पुलिसकर्मी वो खुद ही बीचों बीच बैठकर यहां पर जुआ खेलता हुआ नजर आया है और इस दौरान 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जुआ खेल रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एसपी की कार्रवाई, दुगौड़ा थाना और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देखिए तकरीबन 6 पुलिसकर्मी हैं जो कि यहां पर जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदे ताश के जो पत्ते हैं वो गिने जा रहे हैं और इनका काम है कि इस तरीके के किसी भी अवैध कारोबार पर, अवैध धंधे पर रोक लगाना है। लेकिन जब जुआरियों के साथ बैठकर पुलिस आरक्षक, पुलिसकर्मी खुद ही जुआ खेलेंगे तो जरा सोचिए कि कानून का कितना ही खौफ होगा। और यही कारण है कि धड़ल्ले से अवैध तरीके से सट्टा खिलाने का जो कारोबार है वो टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाता है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी ही बैठकर ताश के पत्ते गिनवाएंगे तो फिर जरा सोचिए कि जो सट्टा संचालक होंगे उनके अंदर क्या ही खौफ कानून का होगा, क्या ही खौफ प्रशासन का होगा। और यही कारण है कि इस तरीके से खुले में सट्टा खिलाया जाता है।